तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। तो गाइस, आपने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा कि यार आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि जायंट हॉर्न कैसे बनाए, ठीक है? तो जायंट हॉर्न कैसे बनाते हैं एकदम फ्री में, और वो भी हिंदी में बता रहा हूँ आपको, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे आपका दोस्त सिखा रहा हो ऐसे ही समझना। तो सबसे पहले आपको चेक क्या चाहिए, उसके लिए दो हिरन चाहिए कोई भी, ठीक है? उसमें नॉर्मल स्किन होगा वो चलेगा, और दो माउंट वाले घोड़े चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो आपको दो हिरन और दो माउंट वाले घोड़े, और जो ट्रेड टिकट से खरीदा जाता है वो जो बूस्टर ग्रीन वाला वो चाहिए, ठीक है? तो वो कितना लगेगा वो आप इधर ही चेक कर लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिरन का नामकरण करना है, ठीक है? तो आपको हिरन का क्या करना है, जो देख सकते हो एल्क लिखा हुआ है, तो आपको E1 और E2 लिखना है दोनों हिरन में, ठीक है? तो उसका आपको ध्यान रखना है, आपको नामकरण करके आपको वो सब प्रोसेस चालू करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ E1, ठीक है? तो ओके, पहले वाले हिरन में मैंने E1 लिख दिया है, और दूसरे वाले में भी E2 लिख देता हूँ, ठीक है? तो हॉर्स में भी ऐसा ही करना है, H1 और H2, ठीक है? हॉर्स में तो उसमें क्या होता है कि आपको बाद में पता लगेगा कि आपने जो हिरन मर्ज किया था वो कौन सा था, ठीक है? तो H1 लिख देता हूँ मैं पहले इधर, तो ये माउंट वाला ही घोड़ा है ना यार, नहीं तो यार दूसरा होगा तो भाई लफड़ा हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, माउंट वाला ही है, ओके। और दूसरे में H2 लिखना है, ठीक है? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे वाले में जाना है, और आपको इधर E1 वाला जो हिरन था पहले, तो उसको डालना है, ठीक है? तो ध्यान रखना है, ये दोनों मर्ज होने के बाद जो पहले वाला हिरन डाला था उसमें क्या नाम था, E1, तो E1 वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जब मर्ज हो जाएगा तब। तो अभी आपको डालना है H1, ठीक है? H1 वाला घोड़ा डालना है। तो E1 और H1 हमने इधर 5 बोतल मांग रहा है, ठीक है? तो हम इधर क्राफ्ट कर देंगे, तो कौन सा मिलता है देखना पड़ेगा पहले। तो ये इसमें ध्यान रखना गाइस कि कौन सा आपको स्किन मिलता है। ओके, मेरे को हॉर्स हेड जोन मिला है, ठीक है, हेड जेन। तो अभी हमको चाहिए टेल भी चाहिए ना गाइस, तो उसके लिए भी करना है। तो सबसे पहले अभी वो E1 तो हो गया, देख सकते हो E1, और अभी E2 और H2 बाकी है। तो E1 को अभी नहीं डालना है, H2 और E2 को डालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ओके गाइस, हॉर्स टेल जेन मिल गया, ठीक है? तो ऐसा ही चाहिए हमको। तो आपको दो तरीके हैं इससे, आपको एकदम आराम से हो जाएगा, तो आप पैसे लगा के भी कर सकते हो और फ्री में भी कर सकते हो इससे, ठीक है? मेहनत लगेगा पर थोड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको दूसरा भी बना लेना है। तो ऐसे करके अभी हम क्या करेंगे, तीसरे में जाना है, और तीसरे देख सकते हो ऊपर पेट लिस्ट, जेन साइंटिस्ट और बायो इवोल्यूशन, ठीक है? तो बायो इवोल्यूशन में जाना है, और इसमें आपको प्रोसेस करना है E1 और E2 को मर्ज करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर आपको बूस्टर लगेगा ग्रीन वाला, तो मैं सबसे पहले E1 को डाल देता हूँ, और अभी दूसरे में E2 को डाल देता हूँ। तो देख सकते हो हमारा हिरन अभी इधर दिखने लगा है। तो अभी देख सकते हो हमने हिरन को माउंट वाला घोड़ा वो हिरन बना लिया है। तो आपको दिखा लेता हूँ बाहर जाके, और फिर वो दिखा देता हूँ कि हमारा सक्सेसफुली बना है कि नहीं है, ठीक है? तो गाइस देख सकते हो हमारा हिरन आ चुका है। तो गाइस अभी सबसे पहले अभी आपको बात करते हैं अभी हॉर्स, माउंट हॉर्स, वो उड़ने वाला घोड़ा, ठीक है, फ्लाइंग हॉर्स। तो उसके लिए अभी उतना दो ऐसे ही करके दो बना लेना है, और अभी 10-10 टिकट का ये दोनों पेट खरीद लेना है, ठीक है? जब जायंट हॉर्स बन जाए तो फिर ये 10-10 टिकट के दो खरीद लेने हैं। तो ये जायंट वो उड़ने वाला घोड़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले यार टिकट खर्च तो करना ही पड़ेगा, वो फ्री में नहीं बनता, ठीक है गाइस? तो उसके लिए 70 टिकट में आपको कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों हमने खरीद लिए। तो अभी सबसे पहले रेड वाला जो बॉटल होता है उसको भी खरीदना है, ठीक है? जो बॉटल नहीं गाइस, सिरिंज, जो बूस्टर होता है वो रेड वाला चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसको लॉक करने के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेम शॉप है उसमें सस्ता मिल जाएगा आपको दो, ठीक है, 20-20 में। उधर 30 में दे रहा है पर इधर 20 में ऑफर में चल रहा है, इसीलिए मेरे को 20 में दे रहा है, ठीक है? तो इधर से मैं दो खरीद लूँगा,
और उधर से एक ख़रीदना पड़ेगा मेरे को। तो कुल आपको चाहिए 3 बूस्टर रेड वाले, तब आप जाके उड़ने वाला घोड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो इधर से पहले तो यार एक ख़रीद लेते, और वहाँ से भी और एक ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम आसानी से आपको समझ में नहीं आया तो गाइज, तो एक दो बार देखोगे आप मेरा वीडियो तो एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है ये सब बनाना। तो ओके, मैंने 2 ख़रीद लिए देख सकते हो, और इधर से एक और ख़रीदना बाकी है, तो 2 ही हुए अभी। तो ओके, ये रहा, देख सकते हो इधर 29 लिखा रहा है और उधर 20 लिखा रहा था, ठीक है। तो उधर ऑफर की वजह से मेरे को 20 टोकन का प्रॉफिट हुआ है इधर से उधर से। तो ओके, मैंने 3 ख़रीद लिए, तो अभी सबसे मेन काम आया, ठीक है। तो यार इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ हो जाएगी तो ये फ्री का काम है आगे वाला, पर इसमें गड़बड़ होगी तो भाई आपका टिकट वेस्ट जाएगा। तो ध्यान से वीडियो देखना और ध्यान से करना, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये दोनों बीस्ट मैंने खरीदे थे, तो सबसे पहले इसमें नहीं जाना, ठीक है। तो गाइस ये भूल गलती मत करना, ये इसमें डायरेक्ट आप ऐसा सोचो कि भाई दोनों को मर्ज करके फ्लाइंग वाला बनेगा, नहीं गाइस ऐसा नहीं है, आपको और भी प्रोसेस लगती है, ऐसा नहीं करना गाइस, नहीं तो आपका सारा वेस्ट जाएगा, मेहनत भी और भाई टिकट भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो हिरन थे द जाइन हॉर, तो उसके नाम लिख देना है, ठीक है, नामकरण कर देना है इसका दोनों का, ठीक है। तो E2 लिखा उसमें और इसमें E1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है पीट लिस्ट के बाजू में, तो उसमें आपको मर्ज करने है दोनों को, ठीक है, जो बीस्ट खरीदे थे और ये दोनों हिरन, ठीक है, उसके साथ मर्ज करना है। तो सबसे पहले E1 को डाल देता हूँ, तो ओके मैंने डाल दिया। तो अभी विंगेड बीस्ट है उसको डालना है, ठीक है। तो पहले मैं चेक कर देता हूँ यार वो कौन सा था, मेरे को चेक करना पड़ेगा बार बार। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बीस्ट और विंगेड बीस्ट, तो दोनों में से कौन सा लेना है वो चेक करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ओके, तो पहले हिरन डाल देते हैं और अभी विंगेड बीस्ट है उसको डालना है, ठीक है। जैसे मैंने डाला, और अभी देखना गाइस आपको इधर क्राफ्ट पे नहीं दबाना है, ठीक है। तो जो मैंने रेड वाला सीरेंज लिया था बूस्टर, उसको लॉक करना है इससे जाइंट हॉर्न टेल और हॉर्न हेड के साथ, ठीक है। तो एक का लॉक किया और दूसरे का भी लॉक करना है उसके ऊपर दबा के, ठीक है। ओके, दोनों के ऊपर लॉक करने के बाद आपको 8 ब्लू वाला बॉटल मांग रहा है और 2 बूस्टर रेड वाला, ठीक है। तो इसमें आपको यही काम है, तो क्राफ्ट कर देते हैं जल्दी से। तो गाइस हमको मिल चुका है विंगेड बीस्ट विंग, ठीक है। तो ऐसा ही करके आपको दूसरा भी करना है, पर थोड़ा उसमें थोड़ा कम करना है, ठीक है। वो कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। तो यार इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ओके ड्रॉप कर दिया। तो अभी E1 को तो कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी E2 को करना है, तो E2 को उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक बीस्ट के साथ मर्ज करना है। ओके, तो इसको अभी क्राफ्ट मत करना गाइस, आपको एक एक के साथ लॉक करना है जाइंट हॉर्न टेल, ठीक है, जाइंट हॉर्न टेल। तो ओके, तो अभी क्या करना है आपको, क्राफ्ट कर देना है। तो आपको कौन सा मिलेगा वो आपको बता देता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बीस्ट मिलेगा, ठीक है आपको, तो ऐसा ही चाहिए था आपको। तो माउंट वाले जो हमने जाइंट हॉर्न बनाया उसका प्रोसेस इसके साथ कंपैरिजन मत करना, ठीक है गाइस। ये जो मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ उसमें करना, ठीक है। तो ये दोनों देख सकते हो E2 और E1 दोनों अभी सक्सेसफुली हो चुका है, अभी मेन काम इसमें आएगा, ठीक है, तीसरे वाले में, तीसरे ऑप्शन में। तो अभी E1 को डालता हूँ और अभी E2 को डालना है, ठीक है, अभी अभी डालना है। तो देख सकते हो हमारा फ्लाइंग हॉर्स अभी देख सकते हो स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो अभी मेरे को ग्रीन वाला बूस्टर अभी मेरे पास नहीं है, तो यार मैंने ट्रेड टिकट करके मेरे दोस्त को दे दिया था, तो अभी वो मेरे को दे रहा है अभी वापस, तो उसके पास से मेरे को लेना पड़ेगा। तो 99% हमारा काम इधर से ख़त्म हो चुका है, तो अभी सिर्फ क्राफ्ट करना है। तो अभी मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो इसमें रखा था पर वो उसने बैग में डाल दिया शायद,
तो जो जाइंट हॉर्न है वो तो आपको फ्री में ही बन जाएगा, पर जो घोड़ा है फ्लाइंग हॉर्स वो आपको 85 का टॉप अप कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार इधर आ जाते हैं। ओके, E1 को डाल दिया और इधर E2 को डालना है। ठीक है, तो अभी मेरा बूस्टर भी लगाना पड़ेगा, तो बूस्टर के ऊपर दबाता हूँ। ओके, तो ओके गाइस, अभी फाइनली मेरे पास माउंट वाला उड़ने वाला घोड़ा आ चुका है। तो आपको यार समझ में आ ही गया होगा। तो आपको मैं अभी सबसे पहले यार मेरे को फीड करवाने के लिए नॉर्मल खाना ही लगता है। ठीक है गाइस, भाई डरना मत कि ये होगा वो होगा, खाना अलग लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका ये सेम खाना होगा और फीड करवाने के लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी कितना बाकी है। पहले तो इसको एडवांस करना पड़ेगा। ओके, तो देख सकते हो एडवांस कर दिया मैंने। तो ओके, एक और डब्बा फूट रहा है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो इसके मेरे फ्रेंड के पास से ही मेरे को लेने पड़ेंगे पैसे। तो मेरे फ्रेंड ने भी बना दिया है, देख सकते हो। तो उसने मेरे से पहले ही बनाया था, तो उसने बोला कि भाई तू भी बना ले, तो इसीलिए मैं बना दिया। और भाई वैसे भी यार बनाने का ज़रूरत था, क्योंकि भाई किसी ने यूट्यूब पे मतलब वो डाला ही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको फीड करवा दिया। तो देख सकते हो यार मेरा बैठने का ऑप्शन आ गया है। तो ये कितनी की स्पीड से दौड़ रहा है वो चेक करवा देता हूँ आपको। तो ओके, मैक्सिमम 80 90 90, ठीक है, 81 और 91 के करीब जा रहा है। तो मेरे को सबसे पहले तो यार समझ में नहीं आ रहा था, मेरा फ्रेंड तो बोल रहा था कि इसको ऐसे उड़ाते हैं, पर मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद मेरे को आ जाता है, तो मैं ट्राई कर रहा था कि कैसे करता है। पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जो जंप वाला ऑप्शन है उसके एक ऊपर एक बार दबाना है और उसको फिर होल्ड करके रखना है जंप वाले बटन के ऊपर, तो अपने आप वो फिर हवा में तैरने लगेगा, फिर आप उड़ने लायक बन जाएगा। ठीक है, तो दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने एक दो बार ट्राई किया पर नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि भाई उसके ऊपर दबा के रखना है, तो मैं दबा के रखा, तो भाई उड़ने वाला भाई उड़ गया। ठीक है, सच में तो भाई बहुत अजीब लग रहा था मेरे को उड़ के, पर भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें। पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो एक मैप से, एक छेड़े से। ठीक है, तो भाई कितना ऊपर आ गया वो 1 सेकंड में। तो गाइस, आपको भी यार जाइंट हॉर्न कैसे बनाते वो इस वाले वीडियो में समझ में नहीं आता, तो गाइस वो कमेंट कर देना, मैं उसका स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, तब आपको दिखा दूंगा एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।